आईजी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सीट पेटल का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर कौन कौन से टूल यानी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं जो कि कंप्लीट आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सीट मेटल का जो कार्य होता है यानी जो धातु यानी चादर से जो कार्य किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सीट के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसे सीट को बेंड भी करना पड़ता है, सीट को कटिंग भी करना पड़ता है, सीम के अंदर कई ऑपरेशन होते हैं, जैसे सीम भी होता है, हेम भी होता है, नोच भी होता है, काफ़ी सारे ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए कौन कौन से टूल जो है रिक्वायर्ड होते हैं वो हम स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये है आपका एल स्क्वेयर, ठीक है ना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसको हम एल स्क्वेयर बोलते हैं। देखिए एल टाइप का है ये, ठीक है ना, एल स्क्वेयर और एक ट्राई स्क्वेयर। कुछ बच्चे होते हैं कि भैया ट्राई स्क्वेयर है, लेकिन ये ट्राई स्क्वेयर नहीं है, ये आपका एल स्क्वेयर है। एल स्क्वेयर की क्या होता है, ये आपका स्ट्रोक है और ये आपका क्या है, ब्लेड है, ठीक है। इसकी जो मोटाई जो होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है। तो देखिए जो इसका ये जो स्ट्रोक है इसकी पैरेलल है और इसकी भी पैरेलल है, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या होता है, 90 डिग्री पे लाइन वर्क करने के लिए या किसी भी तरह का 90 डिग्री का एंगल को चेक करने के लिए, या फिर हम कोई ट्रे बना रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको सेट करने के लिए एल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये है आपका ट्राई स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए है तो एल स्क्वायर की तरह ही, लेकिन इसका जो स्ट्रोक देखिए, स्ट्रोक की मोटाई ज़्यादा होती है, ब्लेड जो कि पतला होता है, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। तो ये क्या है आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग भी हम 90 डिग्री पे कोई भी एंगल को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये है स्निप है। स्निप किसको बोलते हैं, सीट मेटल के अंदर धातु की यानी चादर की जो कटिंग जो की जाती है वो स्निप से की जाती है। एक तरह की एक कैंची है जिससे जैसे किसी कागज़ को काटने के लिए या कपड़े को काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह इंजीनियरिंग लाइन के अंदर सीट को काटने के लिए इस स्निप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। स्निप ये दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रेट स्निप होती है, दूसरी होती है बेंट स्निप, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपकी बेंट स्निप है, ठीक है ना। आगे का जो पॉइंट जो है ये मुड़ा हुआ है। बेंट का मतलब क्या है, मुड़ा होना। किसी भी सीट को गोलाई में काटने के लिए, अर्ध गोलाकार काटने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं स्ट्रेट स्निप। तो देखिए मैंने कागज़ की एक सीट ली हुई थी, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सीधा कटेगा, ये देखिए और भी हम काट सकते हैं इससे। इसकी जो धार जो होती है वो 90 डिग्री होती है। अब देखिए बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे, ये देखिए बेंट है, आपको दिखाएंगे ऐसे इसको लगाना होता है। तो देखिए कितना गोलाई में कटेगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसके द्वारा कटिंग करते हैं। जितने भी जो स्निप जो होते हैं हमारे वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, इसकी जो धार होती है वो 80 डिग्री के ऊपर लगी होती है। उसके बाद में देखिए ये है आपका, इसको हम कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपास यानी विंग कंपास, ठीक है ना। कंपास मीन्स क्या होता है, प्रकार होता है। तो ये देखिए बड़ा है, इसके द्वारा हम 200 mm के भी सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये एडजस्टिंग स्क्रू है, आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। कैसे करते हैं, तो देखिए जिस तरह ये सीट है इसके ऊपर ऐसे पॉइंट पे रखेंगे बड़े सर्कल लगाने के लिए, ठीक है ना। तो विंग कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऐसे आप सर्कल लगा सकते हैं। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा, यानी ये है आपका, देख सकते हो आप, ट्रेमल है, ठीक है ना। ट्रेमल का जो प्रयोग जो होता है बड़े आकार के वृत्त लगाने के लिए, चाप लगाने के लिए, दो भागों में किसी रेखा को डिवाइड करने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। ट्रेमल के द्वारा हम 6 फुट यानी 1800 mm के भी सर्कल जो है आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, क्या आता है कि जो ट्रेमल है उससे अधिक से अधिक सर्कल कितने लगाए जा सकते हैं, कितने से लगा सकते हैं, 1800 mm का बड़ा सा बड़ा सर्कल हम लगा सकते हैं। तो हो गया था, अभी आपको करना कैसे है, इस तरह एक पॉइंट है वो रखना है, दूसरा पॉइंट पे यहाँ पे फोकस करो इस पर, ठीक है। ऐसे आप ट्रेडमिल के द्वारा लाइन वर्क जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। कोई भी साइज मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद में ये देख सकते हो बॉल पेन हैमर है, ऊपर का देख सकती है, यहाँ से देखिए इसको, क्योंकि ये जो ऊपर का जो हेड है, जो पेन जो है, ठीक है ना, इसको हम बाल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख लिया, बाल पेन हैमर। इसका जो बाल का जो प्रयोग किया रिवेटिंग करने के लिए, उसका हेड बनाने के लिए इस बाल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये आपका वायर गेज यानी सीट गेज, ठीक है ना, सीट की मोटाई को चेक करने के लिए वायर गेज यानी सीट गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये स्क्राइबर है, ठीक है ना, जैसे हम कागज़ पर पेन से लाइन लगाते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से लाइन लगाने के लिए इंजीनियरिंग लाइन के अंदर किसी शीट वर्क पर लाइन लगाने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जैसे पेंसिल है या फिर पेन है कागज़ पर हम लाइन लगा लेते हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग लाइन के ऊपर सीट के ऊपर कोई लाइन वर्क कर रहा है तो वो किससे करते हैं, स्क्राइबर से करते हैं। उसके बाद में देखिए कंप्लीट जो बॉक्स जो है आपको सामने जो नज़र आ रहा है, ये आपका कॉम्बिनेशन सेट मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका कॉम्बिनेशन सेट है, ये आपका प्रोटेक्टर हेड है कंप्लीट, और ये है आपका स्केयर हेड, और ये है आपका सेंटर हेड। कोई भी एंगल को चेक करने के लिए प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सी क्लैंप है, ठीक है ना, सी क्लैंप का जो प्रयोग जो किया जाता है किसी भी सीट को, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए या रिफ्टिंग करने के लिए सीट को दबाने के लिए सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति जो है वो सी आकार की है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सी क्लैंप। और ये है आपका मैलेट का हैमर, ठीक है ना, मैलेट किसको बोलते हैं, लकड़ी, यानी एक तरह की सख्त लकड़ी है, ठीक है ना, इसका जो प्रयोग जो किया जाता है किसी भी सीट को बेंड करने के लिए यानी मोड़ने के लिए मैलेट के हैमर का प्रयोग किया जाता है, यानी लकड़ी के हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम मेटल, ठीक है, यानी लोहे का अगर हम हैमर प्रयोग करते हैं तो वो सीट के जगह जगह उसको बेंड कर देगा, लेकिन ये लकड़ी का जो हैमर है ये इसको बेंड नहीं करेगा, अच्छी तरह आसानी से उसको मोड़ सकता है। उसके बाद में ये देख सकते हो आप, ये है आपका हैचेट स्टैक है। स्टैक का प्रयोग, जो स्टैक जो होता है किसी भी सीट को किसी भी एंगल पर मोड़ने के लिए या सीट को सहारा देने के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हैचेट स्टैक है, ठीक है ना, इसका एंगल देख सकते हो, ये 45 डिग्री के ऊपर बिल्कुल ये तिरछा है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना, तो हम किसी भी सीट को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे सीट को रखेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो इस तरीके से ये बिल्कुल ये मुड़ जाएगी, तो देख सकते हो आप कैसे कैसे मुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इसका हैचेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये आपका ग्रूव स्टैक, कौन सा है, ग्रूव स्टैक है, ठीक है ना, इसके अंदर देखिए ग्रूव कटे हुए हैं, किसी भी सीट को किसी भी आकृति में मोड़ने के लिए, ठीक है ना, या सेम आकृति के अंदर ऐसे ऐसे करने के लिए इस ग्रूव स्टैक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये जो ट्रे हमने बनाई हुई है, और भी ट्रे आपको दिखाएंगे भी कैसे कैसे है, ये जो ट्रे है बच्चों ने बनाई हुई है, देख सकते हो कैसे कैसे रिवेट लगी हुई है, पूरी ड्राइंग और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने बनाए हुए हैं, तो देख सकते हो कितने ज़बरदस्त तरीके से इस ट्रे को बनाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट मैंने आज आपको शीट मेटल के जो टूल और इंस्ट्रूमेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।